हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक तरह का न्यूमेरिकल, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल जो कि गॉस थ्योरम से रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक एक करके मैं आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर बताता जाऊँगा और आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ठीक है, ट्राई करना पहले खुद सॉल्व करने की। अगर नहीं कर पाओगे देन आप जो है उसका सोल्यूशन यहाँ पर आप वॉच कर सकते हो और समझ सकते हो कि उसको किस तरह से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 6i cap + 3j cap + 4k cap, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स लाइंग इन वाई जेड प्लेन। ठीक, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करो और इस न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो बड़ा सिंपल है, क्या किया हुआ है इसने, ई वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे 6i cap + 3j cap + 4 cap, ठीक है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ए वेक्टर आपको आपको यहाँ से मिल जाना है ना, 20 यूनिट्स इन वाई जेड प्लेन। तो इस इन्फॉर्मेशन से आपको, इस इन्फॉर्मेशन से आपको जो है वो एरिया वेक्टर भी मिल जाना है। तो आपको करना क्या है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस इक्वेशन को सॉल्व करो और आपको पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार खुद ट्राई करो, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो तो फिर आगे सॉल्यूशन को जो है देख लो, ठीक है जी, ट्राई कर लो पहले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, आपको दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कितनी दी हुई है, ये आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 6i cap + 3j cap + 4k cap। तो यहाँ पर आपके पास गिवन में क्या क्या है, पहले गिवन में लिखना है आपको क्या क्या चीज़ गिवन है। यहाँ पर लिख लेना आपको e वेक्टर आपको गिवन में दिया हुआ है कितना, 6i cap + 3j cap + 4k cap, ये आपको यहाँ पर गिवन में दे रखा है। अब बात करते हैं एरिया की, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो एरिया है ये किस प्लेन में लाई कर रहा है, यहाँ पर देखो वाई जेड प्लेन पर लाई कर रहा है, ठीक है। अगर ये एरिया वाई जेड प्लेन पर लाई कर रहा है तो इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो किस प्लेन में होगी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे सपोज करो ये आपका वाई और ये जेड प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में कोई मेरे पास अगर एरिया है तो इस एरिया की अगर आपको, इस एरिया को अगर आपने एरिया वैक्टर से रिप्रेजेंट करना है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन रिप्रेजेंट कर पाएगा, इसकी डायरेक्शन जो है वो इसकी थर्ड एक्सिस जो है वो इसकी डायरेक्शन शो करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास एरिया वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन कौन कैसे होती है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो अब एक्स वाई जेड प्लेन में जो हम नॉर्मल ड्रा करने वाले हैं वो नॉर्मल किस डायरेक्शन में होने वाला है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होने वाला है ना। तो इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में एरिया पॉइंट आउट हो रहा होगा, आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एरिया पॉइंट आउट हो रहा होगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये एरिया पॉइंट आउट हो रहा होगा। और हम इसको कैसे ले सकते हैं, एस वेक्टर क्या आता है, 20 आई कैप, समझ आई बात, ये आई कैप कैसे आया, क्योंकि ये जो एरिया है ये किस प्लेन में लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है। तो अगर ये एरिया वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कहाँ पे होगी, वो एक्स एक्सिस में होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है एक एरिया वेक्टर की वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो इस वाई जेड प्लेन में जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा, वो एक्स एक्सिस में होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे कौन बता रहा है हमें, ये आई कैप बता रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, ठीक है, यहाँ पे लिखो फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है, फाई इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर, ठीक है जी, ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी है और वैल्यू सब्सिट्यूट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू ई वैक्टर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आएगा 6i cap + 3j cap + 4k cap, डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक है, यहाँ पे आएगा 20i cap। तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, i कैप डॉट i कैप क्या हो जाएगा, 1, और बाकी जो चीज़ें होती हैं i, ये आपको पता है ना, i कैप डॉट i कैप क्या होता है, 1, i कैप डॉट j कैप क्या होगा, 0, ठीक है, या j कैप k कैप क्या होगा, 0, i कैप k कैप क्या होता है, 0, ठीक है। तो i कैप डॉट i कैप जो है वो 1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 120
यूनिट इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास फ्लक्स, क्योंकि देखो आई कैप डॉट आई कैप ये तो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1/20 × 6 कितना आ जाएगा 120, और इसको इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, जे कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आ गया फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई 120 यूनिट्स, ठीक है। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। एक और टाइप है, उसको डिस्कस कर लेते हैं अब। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ए चार्ज ऑफ 17.7 × 10⁻⁴ कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लार्ज शीट ऑफ एरिया 400 m². कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 cm फ्रॉम इट, ठीक। तो देखिए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो और एक बार पहले खुद ट्राई कर लो, ठीक है। अच्छा देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, हमें पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि एक चार्ज जो है वो कितना है, 17.7 × 10⁻⁴ कूलम का चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक शीट पे। यानी कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपके पास इस तरह की एक शीट है, सपोज कर लो, ठीक है, ये आपके पास सपोज करो एक शीट है और उस शीट पर ना कुछ चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मान लो इस तरह का एक चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये चार्ज कितना है, ये चार्ज जो है वो कितना है, ये चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया वो बताया उसने, कितना बताया 17.7 × 10⁻⁴ कूलम चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बोल कह रहा है और बोलता है कि ये जो एरिया है, ये जो शीट का एरिया जो है ना, ये शीट जो है उसका जो एरिया है ये भी हमें गिवन में दे रखा है। कितना एरिया है, एरिया इसका है 400 m², ठीक है। इसका एरिया भी हमें गिवन में दिया हुआ है। अब क्या कहता है, कहता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है, दैट इज़ यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस, सपोज कर लो वो पॉइंट पी है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और कितनी दूरी पे है ये पॉइंट, 10 cm है शीट से, तो शीट से कितनी दूरी पे है, 10 cm की दूरी पे है, ठीक है। तो आपको एक क्या गिवन में क्या दिया हुआ है, एक शीट दी हुई है, उस शीट पे चार्ज है कितना 17.7 × 10⁻⁴ कूलम चार्ज है, और इस शीट का एरिया कितना है 4 m² इसका एरिया है, और बोल रहा है कि एक काम करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो एक पॉइंट पे जो कि इस शीट से कितनी दूरी पे है, 10 cm की दूरी पे है, ठीक है। इस तरह का ये क्वेश्चन है। अच्छा आप लोगों ने देखो यहाँ पर यूज़ होगी क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है ना। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आपने एक इस तरह की एक एप्लीकेशन को स्टडी किया था जहाँ पर हमारे पास एक शीट थी है ना, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिफॉर्मली, और किसी पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो आपको याद है वहाँ पे आपके पास कुछ आंसर आया था, क्या आंसर आया था वहाँ पे, जो फार्मूला लास्ट में हमारे पास जो ड्राइव होकर आया था वो क्या था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 ε₀, ये आया था, ठीक है। तो इसी फार्मूले को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। ये इस क्वेश्चन का समझ लो आप लोग कह सकते हो कि समरी है। तो हमारे पास क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमारा जो अपना वे है क्या करना है, सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना है, ठीक है। गिवन में क्या लिखना है कि आपको यहाँ पर जो जो चीज़ें पहले से क्वेश्चन में दे रखी हैं, क्या दिया हुआ है आपको, चार्ज दिया हुआ है, यानी कि क्यू की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 17.7 × 10⁻⁴ कूलम आपको चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और एरिया दिया हुआ है ना, एरिया कितना दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपको ए दे दिया हुआ है, ए मतलब एरिया, ये आ गया 400 m². देन आपको क्या दिया हुआ है, और कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 cm। अच्छा आपको आर की वैल्यू दे रखी है ना, कितनी कितने डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, वही यहाँ पर उसी को यहाँ पर आर बोला जाता है, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 cm। अच्छा एक चीज़ आपको गिवन में जब आप चीज़ें लिख रहे होते हैं ना, तो आपको एक हमेशा चीज़ ध्यान में रखनी है कि यूनिट्स को ध्यान में रखना है, आपने देखना है कि क्या सब यूनिट्स एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में आ रहे हैं कि नहीं। जैसे ये ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे मीटर स्केयर ये भी ऐसा ही सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है सबसे पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सारे यूनिट एक ही सिस्टम में रखने हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 m, ठीक है जी। गिवन में लिखते लिखते हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा फाइंड क्या करना है आपको, आपको फाइंड करना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको ये चीज़ फाइंड करनी है, कैलकुलेट करना है। तो अब हम लिखेंगे इसका फार्मूला, फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पे, फार्मूला यूज्ड कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। आपको समझ आ चुका होगा कि ये एक एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, और वहाँ पे हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया था, तो क्या आता था सिग्मा अपॉन 2 ε₀, तो ये फार्मूला यहाँ पर क्या होना है, यूज़ होना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपल आपको यहाँ पे
सॉल्व करना है अब इसको। तो सॉल्व करने के लिए आपको देखो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, फार्मूले में देखो एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हमें पता होती है, ठीक है, ये कांस्टेंट। यहाँ पर फार्मूले में दिया हुआ है सिग्मा, ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट सिग्मा की बात यहाँ पर नहीं की हुई है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सिग्मा को फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पर सिग्मा हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर हेयर हमें पता है कि क्यू की वैल्यू पता है हम लोगों को, ठीक है, ए की वैल्यू पता है हम लोगों को, हमें पता है, यहाँ पे लिखो आप लोग, वी नो दैट हमें पता है कि जो सिग्मा होता है, ठीक है, सिग्मा जो होता है उसका वो किसका बराबर होता है, क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पर कर लो उसको सॉल्व, तो हमारे पास देखो सिग्मा की वैल्यू आराम से आ जाएगी, क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर 17.7 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 4 कूलम डिवाइड बाई एरिया कितना है यहाँ पे 400 मीटर स्क्वेयर यहाँ पर एरिया है। तो यहाँ पर मैं सिग्मा की वैल्यू को लिख के लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर देखो, इसको मैं अगर ऐसे करूँ 17.7 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 4 कूलम, यहाँ पर आएगा 4 इंटू 10 रेस्ट पावर 2, ठीक है जी। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 17.7 डिवाइड 4, तो आ गया मेरे पास 4.425 इंटू 10 रेस्ट पावर, देखो ये पावर माइनस में 4 है, ये प्लस 2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास पावर क्या आ जाएगी फिर माइनस 6 कूलम मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इधर मीटर स्क्वायर है, क्लियर। तो ये मेरे पास आ गई यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू, क्या आ गई यहाँ पर मेरे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है सिग्मा की वैल्यू इस फार्मूले में, ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा कितना आया 4.425 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 6 डिवाइड करेंगे 2 के साथ, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो कितनी होती है 8.85 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 12, ठीक है। आपको जस्ट अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4.425 10 की पावर यहाँ पर माइनस 6, इसको 2 इंटू 8.85 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17.7 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 12, और यहाँ पे लिख दूँ मैं ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.25 इंटू 10 रेस्ट पावर ये माइनस 6, ये माइनस 12 है, ऊपर चला जाएगा तो प्लस 12, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी प्लस 6 इसकी पावर, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, क्लियर, समझ आ गई अच्छे से, बिल्कुल देखो सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या किया हुआ था, उसने चार्ज दे रखा था, एरिया दे रखा था, ठीक है, और डिस्टेंस दे रखा था जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना था। यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होना था वो था E इज इक्वल टू सिग्मा 1 ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा हमें पहले फाइंड करना पड़ा, जो हमें चीज़ें गिवन में दी थी, विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स वी कैन फाइंड द सिग्मा। तो सिग्मा यहाँ पे फाइंड किया, वो ये आ गया हमारे पास। आफ्टर दैट हमें क्या किया, सिग्मा की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, और बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट थी, उनकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऐसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, और जो सिंपल हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया E इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, तो देखिए ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल है। ए प्लास्टिक रॉड ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड रेडियस 3.6 mm कैरीज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.8 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 कूलम स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस, what is the electric field intensity near the midpoint of the rod at a point on its surface। तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को समझो, ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। इस तरह से आपके पास एक रॉड है, ठीक है, इस तरह से आपके पास एक रॉड दी हुई है इसने। इस रॉड की जो लेंथ है ये गिवन में है, लेंथ कितनी दी है 2.2 mm, ठीक है, लेंथ कितनी 2.2 मीटर है। रेडियस इसका गिवन में दिया हुआ है इसने 3.6 mm, क्लियर। फिर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस रॉड के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और कितना चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इस तरह से नेगेटिव चार्ज पोज करो इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और ये नेगेटिव चार्ज कितना है यहाँ पर, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 3.8 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 कूलम यहाँ पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करो, ठीक है, नियर द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के पास इसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, बट कहाँ पर,
ऑफ द रॉड एट अ पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, यानी कि मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, इस पॉइंट पे मेरे को ई की वैल्यू को फाइंड करना है इस पॉइंट पे, ठीक है। और रेडियस कितना दिया हुआ इसका, रेडियस दिया है 3.6 मिलीमीटर, तो यानी कि सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ठीक है, याद रखो इस चीज़ को, सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, देखो सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया, क्योंकि रेडियस कितना है 3.6 mm है ना, तो सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी कितना हो गया 3.6 मिलीमीटर, ठीक है। ये चीज़ हमें आगे आके क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आने वाली है, क्लियर। तो करें स्टार्ट, पहले खुद ट्राई कर लो एक बार, क्योंकि आपको ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम लोगों ने स्टडी की हुई थी, है ना, तो वहाँ पे हम लोगों ने जब वो एप्लीकेशन स्टडी की थी तो वहाँ पे आपको याद है, आपको लाइन चार्ज वाली जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो हमने वैल्यू निकाली थी, क्या आंसर आया था उसका, लैम्डा अपॉन 2π ε0 r, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ पर हमारे यूज़ होना है, ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो चार्ज दे रखा है उसने, एरिया दे रखा है, यहाँ पे लेंथ दे रखी हुई है, तो इन जो चीज़ें यहाँ पर गिवन है, विद हेल्प ऑफ दीज थिंग्स वी कैन ईजिली फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बार खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है, जब नहीं निकलेगा तो फिर यहाँ पे वीडियो को आगे आप लोग कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन डिस्कस करते हैं इसका। देखो गिवन में क्या क्या दे रखा है, पहले तो हम गिवन की बात करेंगे, इसने क्वेश्चन में दे क्या रखा है, इसने बताया हुआ है हमें लेंथ, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द रॉड हमें पता है, लेंथ ऑफ द रॉड हमें पता है कितनी है जी, 2.2 मीटर, क्लियर। और हमें क्या दिया है, रेडियस दे रखा है इसने, रेडियस भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ रॉड कितना है, रेडियस कितना है 3.6 mm, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जैसा ही आप लोग गिवन लिखते हो, तो गिवन जब लिखते हो तो यूनिट्स आप लोग कैसे रखोगे, ठीक है, यूनिट्स आप लोग सिस्टम ऑफ एक सिस्टम में रखोगे, यानी कि अगर SI सिस्टम में बात कर रहे हो तो फिर SI सिस्टम में ही बात करनी है आपको, यहाँ से मीटर जो है वो SI सिस्टम है, तो यहाँ पे मिलीमीटर है, ठीक है, तो ये SI सिस्टम नहीं है, तो इसको पहले तो बदलो, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 3.6 × 10⁻³ - 3 मीटर, क्लियर। तो इस रेडियस को भी मैंने मीटर में यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, और आपको यहाँ पे चार्ज गिवन है, ठीक है, तो चार्ज जो है वो कितना है, चार्ज यहाँ पे क्यू जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है वो कितना दिया हुआ है, 3.8 × 10⁻⁷ कूलम, ये चार्ज यहाँ पे इसने दे रखा है। तो देखो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करनी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पर आपको ई की वैल्यू को फाइंड करना है, क्लियर। तो देखिए कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज़ होना है, जब आप गिवन में इतना कुछ यहाँ पर लिखते हो तो आपको, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका है, डायग्राम आपकी बन चुकी है, तो आपको पता चल चुका होगा कि फार्मूला यहाँ पर कौन सा यूज़ होने वाला है। तो देखो फार्मूला यहाँ पर यूज़ होना है वो कौन सा है, E = λ/2π ε0 r, ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, क्लियर। देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में देने वाली बात ये है कि आपको इस फार्मूले में r तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ से यूज़ कर लोगे, रेडियस तो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की तो हमें वैल्यू पता होती है, लैम्डा क्या चीज़ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है इसने डायरेक्टली आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं दी हुई है, ठीक है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में इसने लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं दी हुई है। आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है, जब आप इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को फाइंड कर लोगे तो इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करो और फिर आप बड़े इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी को फाइंड करते हैं, ठीक है, ये मिटा दूं मैं, यहाँ तक मिटा दूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की, अब मिटा देता हूँ, ओके। तो देखो इसको लिख लिया था ना आपने, तो देखो यहाँ पर तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, E = λ/2π ε0 r, तो हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है इसने, इस रेडियस का तो हमें पता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है, लैम्डा पता नहीं है, तो सबसे पहले तो लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट, हमें पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, λ = Q/L, ठीक है, तो λ = जो चार्ज है, चार्ज तो गिवन में दिया हुआ है इसने, कितना दिया हुआ है 3.8 × 10⁻⁷ कूलम, लेंथ भी दे रखी है इसने, कितनी दी है 2.2 मीटर,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखो, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर आपका साइन यहाँ पर नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 3.8 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ गया 1.7 × 10⁻⁷, ठीक है, कूलम पर मीटर, क्लियर। ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, अब तो बड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आपको जस्ट ये लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस फार्मूले में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ तो E इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 1.-1.7 × 10⁻⁷ डिवाइड बाई 2π εr, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2π εr। देखो हमें 4π εr की वैल्यू हमें पता होती है ना, 1.4π εr की वैल्यू पता होती है, वो कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये वैल्यू हमें पता होती है। अगर इस इक्वेशन में मैं ऐसा कर दूँ, आप सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो, 2π की वैल्यू लिख के, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं कहता हूँ ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, ठीक है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या आ जाएगा, -1.7 × 10⁻⁷, ठीक है, डिवाइड बाय, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, 4π εr बन जाएगा। और r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r की वैल्यू दे रखी है इसने 3.6 × 10⁻³ मीटर। अब देखो ये कैलकुलेशन करना मुझे लगता है और ज़्यादा आसान हो गया आपकी, है ना। अब क्या करना है आपको, आपको देखो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास 1.7 को मल्टीप्लाई करेगा 2 से, क्या आएगा 3.4 × 10⁻⁷, ठीक, डिवाइड बाय 3.6 × 10⁻³। और देखो ये क्या है, 1/4π εr है ना, ये 1/4π εr, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 9 × 10⁻⁹ लिख सकता हूँ, ठीक है। जस्ट अब कर लो सॉल्व इसको, अब तो मुझे लगता है बड़ा आसान सा हो गया ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा आई थिंक -8.6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, क्लियर, क्रॉस चेक कर लेना आप इसको। तो हमारे पास ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे,